जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एके कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम कल से पढ़ रहे हैं साइंस, साइंस में हमने पहले पढ़ा है डिफिनेशन ऑफ साइंस, विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ साइंस, उसके प्रकार को पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। हमने अलग अलग सबके डिफिनेशन को पढ़ा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान आज से हम शुरू करेंगे। तो हमने कल रसायन विज्ञान की डिफिनेशन में पढ़ा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित, ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का परीक्षण तथा एनालिसिस किया जाता है, अर्थात विश्लेषण किया जाता है, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं। चैप्टर नंबर एक है द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं, ठीक है। अब बात आते हैं द्रव्य की अवस्थाओं में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य, सबसे पहले जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है, मैटर। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी हमें दिख रहे हैं, हमारे नग्न आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये भी हमारा क्या है, द्रव्य है। तो हमें जो भी चीज दिखाई देता है वो हमारा सब क्या है, द्रव्य ही है, ठीक है। तो द्रव्य की डिफिनेशन ये होगी, देखिए हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड की वो हर एक चीज, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड की वो हर एक चीज जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान निहित हो, उसी को हम कहते हैं द्रव्य। तो द्रव्य की डिफिनेशन यहां से लिखेंगे, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में, क्या लिखेंगे, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वो हर एक चीज, या वस्तु कुछ भी कह सकते हैं आप, वो हर एक चीज जो जिसमें जो लिखिए जिसमें जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, ठीक है। हमारा डिफिनेशन क्या हुआ है द्रव्य का, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वो हर एक चीज जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है, द्रव्य कहलाएगा, सॉरी। अब देखिए, यहां पर जैसे द्रव्य की अवस्था अब पढ़ेंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल पहले दे दीजिए, एग्जाम्पल में दे दीजिए, वाटर हो गया आपका, पानी हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, और जैसे गैस हो गया, गुब्बारे में भरी गैस हो गया जैसे, ठीक है, गुब्बारे में भरी गैस, ये आपके एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स को कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं, देख लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकार, देखे टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, द्रव्य के प्रकार। अब हम जानते हैं द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव्य अवस्था, द्रव अवस्था, तीसरा होता है गैस अवस्था, क्या होता है, गैस अवस्था,
ठीक है। तो द्रव्य के कितने अवस्थाएं होते हैं? तीन अवस्थाएं होते हैं, पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। अब हम तीनों के अलग अलग डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों के क्या पढ़ेंगे, अलग अलग डिफिनेशन। तो यहां पर सबसे पहला कौन है? ठोस अवस्था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ठोस अवस्था डिफिनेशन ऑफ ठोस अवस्था, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहां पर ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। देखिए आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसमें तीनों हो। जैसे आप कोई ये देखते हैं तो इसका वेट भी निर्धारित होगा और इसका साइज होगा कि इतने साइज का ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी डिफिनेशन, यहां पर तो यहां पर लिखेंगे द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था, ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें जिसमें उसका आकार, उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित, ठीक है, होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था कहलाते हैं, ठीक है। देखिए द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका एग्जांपल, देखिए यहां पर एग्जांपल के तौर पर, देखिए यहां पर एग्जांपल, जैसे जैसे यहां पर क्या हो गया? लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। इसे यहां पर देखिए लोहा हो गया आपका, क्या हो गया? लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, आदि, ठीक है। ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है। इसे लकड़ी हम लाते हैं, कहीं पर जाते हैं लकड़ी लेने, तो अगर हम कहते हैं कि हमें इतना किलो लकड़ी दे दो या इतना कुंतल लकड़ी दे दो, ठीक है। तो इसी प्रकार लोहा होता है, वो भी किलो में होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? द्रव ठोस अवस्था हो गया। अब बात आती है द्रव अवस्था की, अगला टाइप का क्या है? द्रव अवस्था। चलिए इसको रख करते हैं और देखते हैं द्रव अवस्था। देखिए जो लोहा है यह हमारा क्या करता है? इसका आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है, जहां और यह क्या करेगा? स्थान भी निकलता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए अगला अवस्था इसका क्या है? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, अवस्था क्या है? द्रव अवस्था, लिक्विड, ठीक है। अब बात होती है द्रव अवस्था की, तो द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, यहां पर तो द्रव अवस्था की परिभाषा होगी द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होगा कि हमारा इतना लीटर पानी है, ठीक है, कोई पानी से है कि ये 100 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है, ये तो निश्चित रहेगा लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होगा। तो ये द्रव कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था होगी। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, लिखेंगे द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें आकार तो निश्चित होता है, जिसमें आकार तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु सॉरी जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, आकार नहीं। कौन सी अवस्था कहलाती है? द्रव अवस्था कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है, ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है
परंतु आकार नहीं, मतलब आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। कौन सी अवस्था कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल रूप ले लेते हैं, जल हो गया हमारा, क्या हो गया, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, जल दूध, ठीक है, जल दूध, पारा भी ले सकते हैं, पारा, ठीक है, पारा भी लिक्विड के रूप में आता है, ठीक है। इसी प्रकार तेल हो गया हमारा, तेल आदि, ये सब क्या है, ये आपके द्रव अवस्था के एग्जाम्पल है। देखिए जल है, जब हम जल को अगर जमीन पर डालेंगे तो उसका आयतन, इसे मान लीजिए हम 1 लीटर पानी लिए हैं और उसको हम जमीन में, जमीन पर छोड़ रहे हैं, तो जो जल जाएगा जमीन पर उसका आकार नहीं होगा, वो कहीं इधर जाएगा तो कहीं राइट में जाएगा तो कहीं लेफ्ट में जाएगा, उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही साइड में हो जाएगा, उससे चलना है, ठीक है। और जो लोहा है, देखिए जैसे लोहा है वो ठोस अवस्था है, तो उसको हम जहां रख देंगे वहीं पर रखा रहेगा। और जैसे और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो जल है, जल का आकार निश्चित रहेगा, जैसे हम पानी चलाते हैं खेत में, तो पानी क्या एक साइड में चलता है, नहीं चलता है ना, वो अलग अलग जगहों पर चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करेंगे हम गैस अवस्था की, ठीक है, गैस अवस्था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए गैस अवस्था, तीसरी अवस्था इसका कौन सी है, गैस अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है, गैस अवस्था। चलिए अब बताएं गैस अवस्था क्या, ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ठीक है, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। तो यहां पर देखेंगे डिफिनेशन में, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका, जिसमें उसका ना तो आकार, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, और ना ही आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है, ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था इसमें उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, तो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे आपका हो गया वायु, जैसे वायु, जैसे वायु, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि, ठीक है। ये सब किसकी अवस्था है, किसके एग्जाम्पल है, गैस अवस्था के एग्जाम्पल है। जैसे हवा चलती है, ठीक है, हवा चलती है तो कोई एक दिशा में नहीं चलती कि किसी एक व्यक्ति के पास लगती है, वो सबके पास जाता है, ठीक है। इसका कोई आकार नहीं होता और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है कि हमने 1 किलो गैस छोड़ा है। जैसे जो हवा चलता है तो कोई किलो में ना कोई कुंतल में नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो उसका क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो उसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, गैस अवस्था हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को हमने पढ़ा है, ठीक है, द्रव्य की हमने डेफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैटर, द्रव्य के प्रकार पढ़ा है। तो हमने पढ़ा द्रव्य के 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उन तीनों का अलग अलग हमने डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।